बिहार की महागठबंधन की सरकार लगातार स्पोर्ट्स कैसे बेहतर हो, खिलाड़ियों को कैसे रोजगार मिले, खिलाड़ी कैसे बिहार का मान सम्मान बढ़ाए, इसको लेकर काम कर रहे हैं। हमारे साथ कला संस्कृति एवं युवा खेल मंत्री हैं जितेंद्र। जितेंद्र जी, क्या कुछ हो रहा है खेल को लेकर, क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे हैं कि अब खिलाड़ियों के अच्छे दिन जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे गाँव में प्रतिभा है उसको हम लोग कैसे प्रशिक्षित करें और उसको आगे बढ़ाएं और उसको अच्छा कैसे प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो अपने प्रतिभा को दिखा सके। इसके लिए लगातार हम लोग स्कूली गेम, तरंग के माध्यम से और दक्ष के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं और हर विधा के खेल में जो भी प्रतिभा खिलाड़ी हैं, जो प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए आप देखे ही होंगे हाल के कुछ दिनों पहले कॉन्क्लेव 2 में हम लोग देश के तमाम जो खेल विशेषज्ञ थे उनको बुलाकर उनसे सलाह लेने का काम किए हम लोग कि हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं कि आने वाले दिन में जो हमारे बिहार के खिलाड़ी हैं उनको हर प्रकार की सुविधा और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले कि बिहार ही नहीं देश का नेतृत्व जाकर ये लोग करें। इसके लिए अच्छा जो देश स्तर पर प्रशिक्षक भी हैं उसको भी लगातार हम लोग बुलाने का काम कर रहे हैं, कई विधा खेल में भी हम लोग बुलाकर प्रशिक्षण करवा भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही है और बिहार देश का दूसरा राज्य है जिसने पहली बार स्कूली गेम में 2200 लड़कों को नगद पुरस्कार देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं सरकार का मंशा साफ है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको किसी प्रकार का अभाव नहीं हो और वो जो खेल है उसमें वो आगे बढ़े। इसके लिए लगातार काम चल रहा है, लगातार हम लोग इस प्रखंड स्तर पर स्टेडियम जो हम लोग बना रहे थे उसमें वृद्धि भी हो रही है। इस बार भी हम लोग 50 से ऊपर नए स्टेडियम की स्वीकृति हम लोग कराए हैं। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम का भी निर्माण चल रहा है। राजगीर में आप देख ही रहे हैं मनोहला के स्टेडियम को भी डेवलप किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लगातार प्रयासरत है और खेल प्राधिकरण का भी गठन हो चुका है। तो खेल प्राधिकरण के माध्यम से हर जगह निगरानी भी रखा जा रहा है कि बेहतर से बेहतर हमारे खिलाड़ी को हर प्रकार का व्यवस्था मिले, इस काम को हम लोग कर रहे हैं। जसपी जी भी खिलाड़ी हैं, आप भी कहीं ना कहीं खिलाड़ी हैं, तो लगता है कि जो आप लोगों ने जो घोषणा किया है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ उसका भी असर करने के दिख रहा है और आने वाले समय में क्या जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसको लेकर भी काम आगे बढ़ाया क्या? देखिए, एक बात तो तय है ना कि हमारा जो खिलाड़ियों में एक जब से ये हुआ है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ तो इसके बाद खिलाड़ियों में एक उत्साह है, उनको भी लग रहा है कि नहीं इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो एक समय था ना कि खेल के प्रति बहुत लोग जागरूक नहीं रहते थे, तो आज उनको ये लगता है कि खेल के माध्यम से भी हम नौकरी पा सकते हैं, तो बहुत लोगों में उत्साह है। और हमारे उप मुख्यमंत्री तो खुद खिलाड़ी रहे हैं और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उनका अपना एक अनुभव है, तो समय समय पर उनका भी अनुभव हम लोग को मिलता है जो भी निर्देश होता है। और मुख्यमंत्री जी खास करके बिहार के प्रति सचेत रहते हैं कि कैसे हर सेक्टर में हमारा विकास हो, तो खेल में भी कैसे भी विकास हो। इसके लिए उन्होंने निर्जयम खेल का आयोजन हो रहा था, उद्घाटन के अवसर पर मन से ही घोषणा कर दिया कि अगर हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाते हैं तो हम उनको डायरेक्ट BPSC में बहाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार का मंशा साफ है कि हमको किसी कीमत पर खिलाड़ियों को बढ़ाना है। स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर के काम आगे बढ़ गया, अब स्पोर्ट्स पॉलिसी कॉन्क्लेव 2 कराने का मकसद यही ना था कि हमारा स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या हो, कॉन्क्लेव 1 कराने का मकसद है स्पोर्ट्स में हम कैसे आगे बढ़ें। तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, आपके सामने सब कुछ आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। बिल्कुल, अब स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर भी सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में बिहार का अपना स्पोर्ट्स पॉलिसी होगा जिसके तहत खिलाड़ियों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा, खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगा और एक कोशिश है बिहार की सरकार की कि तमाम खिलाड़ियों के अच्छे दिन आए, इसको लेकर बिहार की सरकार लगातार जमीनी स्तर पर भी काम कर रही है। कैमरामैन सुनील के साथ अनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।